हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अदर वीडियो। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ हुआ था उस पार्क में। अभी जाएंगे हम लोग और काफ़ी दर्दनाक घटना हुई थी आपके जानकारी में भी है। और ये देख सकते हैं पीछे जलियांवाला बाग का स्मारक बनाया हुआ है। और जैसे जैसे अंदर जाएंगे और अंदर का भी सीन दिखाएंगे आपको, बने रहिए वीडियो में हमारे। आगे चलते हैं और आगे का सीन लाइन लगा हुआ है अभी अंदर जाने के लिए जलियांवाला बाग में जाने के लिए अभी लाइन लगा हुआ है। देख सकते हैं काफी भीड़ है। चलिए चलते हैं अंदर। अच्छा जिया जी पीछे, ये देख सकते हैं गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जलियांवाला बाग के अंदर। जैसे जैसे जा रहे हैं आगे का सीन आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे गेट से फर्स्ट एंट्री हुई है और ये देख सकते हैं ये अभी बाग के अंदर जाने का सीन है। जलियांवाला बाग के अंदर का सीन है। अभी हम लोग इंटर हुए हैं गेट से, वो पीछे में गेट है देख सकते हैं, वो गेट से हम लोग इंटर हुए हैं और धीरे धीरे पार्क के अंदर जा रहे हैं। ये मैप बनाया हुआ है अशोक स्तंभ है नीचे। जलियांवाला बाग का गेट से जब एंट्री करेंगे तो आपको ये झरने मिलेंगे यहाँ पे। देख सकते काफी डिजाइन में बनाया गया हुआ है और यहाँ पे आगे में बैठने की फिर ये पार्क के अंदर का सीन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कांड, उसकी काफी दर्दनाक घटना हुई थी। तो जनरल डायर के थ्रू यहाँ पे मीटिंग में गन फायरिंग की गई थी यहाँ पे आम नियते लोगों पर गोली फायरिंग कर गई थी। हाँ यहाँ पे मीटिंग हुआ था, देखिए वो टेबल लगा हुआ था जहाँ सब बैठ के मीटिंग कर रहा था। जनरल डायर इंटर किया, उसके बाद यहाँ पे फायरिंग करने लगा। आम पब्लिक था निहत्ता। जैसा कि बताया जाता है हिस्टोरिकल हिसाब के हिसाब से यहाँ पे मीटिंग बहुत बड़ा सभा यानी मीटिंग बुलाई गई थी। जब मीटिंग बुलाई गई थी तो यहाँ पे लोग नॉर्मली तरीके से आए थे, आम जनता आम पब्लिक आई हुई थी। और जब आम पब्लिक आई हुई थी तो यहाँ पे मीटिंग चल रहा था और जो फिर अंग्रेजों के थ्रू अंग्रेजों के जो जनरल डायर थे उन्होंने अनाधुन फायरिंग कर दी अपने फौज के साथ आके और काफी दर्दनाक घटना हो गई इधर में। ये देख सकते हैं ये वो कुआं है जहाँ पे लास्ट में लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए। देख सकते हैं काफी गहरा कुआं है। यही गाइस वो कुआं है जहाँ पे कई बच्चे महिलाएं और कई लोग इसमें कूद के अपना जान दे दिए। बहुत बड़ा कुआं है गाइस, सही में जब गोलियां चलने। ये वो कुआं है गाइस जहाँ पे हमारे हिंदू भाई अंग्रेजों के गोलियों से मरना नहीं चाहते थे और इस कुएं को अपना इस कुएं में कूद के अपना जान दे दिए। और उन अंग्रेजों के हाथ से मरने से अच्छा था कि
उसमें कूद के मर जाए, तो उन भाइयों को विनम्र मेरे तरफ से हमको हाथ जोड़ के प्रणाम, हम मेरे तरफ से श्रद्धांजलि है। तो बहुत दुख भरी कहानी थी गाइस, देख सकते हैं ये आपको, यहाँ पे मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ, लेकिन अब बहुत दर्दनाक घटना है यहाँ पे, देख सकते हैं। जो गोली चलाई गई थी अंग्रेजों के सैनिकों द्वारा, वो गोली इस दीवार में उस टाइम के समय लगी हुई थी, जिसको इंडिकेट करके दिखाया गया है। देख सकते हैं ये जितनी इंडिकेट की गई है सादे कॉलम की, ये आपको अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई गोलियां हैं, जिसके वजह से ये टाइम समझ सकते हैं वो घटना है जब अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चल रही थी और लोग मारे जा रहे थे, आम जनता जो निहत्ते थे। तो कुछ गोलियां इस दीवार से आके टकराई थी और यहाँ पे आज भी वो गोलियों की निशान है, जिसको इंडिकेट करके यहाँ पे हम लोगों को दिखाने के लिए बताया गया। तो समझ सकते हैं आप कितना दर्दनाक घटना हुआ होगा। एक गोली का आवाज़ सुन के तो ऐसे ही डर लगता है, लेकिन यहाँ पे जब अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, तब उस समय क्या सिचुएशन होगा और लोगों को मरता देखकर यहाँ पे क्या माहौल बना होगा, सोच के ही डर लग रहा है सही बताए तो। तो मैं आपको धीरे धीरे आगे के तब दिखाता हूँ और बताने का कोशिश कर रहा हूँ। पूरी तरह से जानकारी हमें भी नहीं है, लेकिन जितना जानकारी है उसके हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मेरे को जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, उस हिसाब से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो सुना है सुनने और देखने में एक अलग ही बात है। ये वही पार्क है दोस्तों, जहाँ आप हिस्टोरी में पढ़ते थे, जलियाला वाला बाग हत्याकांड हमने भी किताब में पढ़ी है। और आज मैं घूमने आया हूँ, बहुत नसीब से, क्योंकि जब तक आप आएंगे नहीं इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप बुक में या किसी से जब कहानी सुनते हैं तो आपको सुन के ही दिल दहल जाता है कि ये जलियाना वाला बाग हत्याकांड में जो सिचुएशन, जो माहौल बना हुआ था, वो माहौल लाइव देखने में कैसा होगा। तो वहाँ पे तो जो लोग थे वो लोग बहुत ही दर्दनाक घटना से गुजरे, लेकिन आज हम आए हैं घूमने इधर में और आप लोगों को भी दिखाना चाहते हैं। अगर हमारे से कोई गलती बात निकली हो तो हमें माफ़ करना, क्योंकि सही जानकारी ना देने की वजह से आप लोग को दुख भी पहुंच सकता है। तो मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूं कि ये वीडियो देखिए और आप फील कीजिए, हो सकता है मुझे कुछ जानकारी ना हो, मैं कुछ भूल गया होगा, तो उसके लिए आप सभी से हम सॉरी बोलते हैं। लेकिन ये वीडियो आप लोग देखिए और फील करिए, जो नहीं आए हैं वो आप लोग आइए इधर में और घूमिए और इस चीज़ को महसूस करिए कि क्या माहौल हुआ होगा। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं और यहाँ पे घूम रहे हैं, देख सकते हैं। नहीं,
दे तो खड़े वो सारी वीडियो दिखा रहा हूँ। और जो आता आता इकड़े इकड़े सरा तुम्हें ये भी उन बुलेट्स की इंडिकेट किया गया है जो उस टाइम के समय चलाया गया था। देख सकते हैं अभी भी इसका डार्क वैसा ही का वैसा है जो बुलेट चलाई गई थी। ये इंडिकेट किया हुआ वाइट मार्कर से, वाइट कलर से कहें तो देख सकते हैं नीचे में भी कई फायरिंग को इंडिकेट किए गए हैं। देख सकते हैं काफ़ी मतलब समझ लीजिए सारे जो व्हाइट कलर में इंडिकेट किया गया हुआ है सब गोली का फायरिंग का इंडिकेट है। हाँ जी हाँ जी भाई, ये देख के लगता है कि आपका जो फायरिंग किया गया हुआ है ये आपका उस तरफ से किया गया हुआ है। और मीटिंग इस साइड में चल रही थी, देख सकते वो मीटिंग का चेयर लगा हुआ उधर में। मैं आपको उधर भी लेके चलता हूँ और आपको उधर का सीन दिखाता हूँ। तो फायरिंग उस तरफ से की गई है और गोलियां का बौछार इस साइड में पूरी दीवार पे आपको चिक चिक के बताने का कोशिश कर रही है कि उस समय का क्या सिचुएशन था, उस समय कैसा माहौल था यहाँ का और वहाँ के लोगों को किस तरह से मारा जा रहा था। और आपका वो सीट भी दिखाते हैं जहाँ पे मीटिंग हुई थी, वो चेयर भी आज के डेट में लगा हुआ है। यहाँ पे जो कांड हुआ था जो घटना हुई थी वो देख सकते हैं उस साइड से हुई थी। और इधर में स्मारक बना दिया गया है जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुई थी। और ये चेयर देख सकते हैं, ये चेयर लगा हुआ पीछे में। पीछे में चेयर भी लगा हुआ है देख सकते हैं। और ये हमारे पीछे देख सकते हैं जलियांवाला बाग का स्मारक बनाया गया हुआ है। और ये सामने में छोटा सा तालाब है देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं भी वो आपको दिखा देता हूँ। अभी ये यहाँ से ग्रिल को बंद किया गया हुआ है टिकट में। अभी ये सीन देख लीजिए आप जलियांवाला बाग का हत्याकांड का स्मारक। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है देख सकते हैं, और ये देख लीजिए ये स्मारक है पीछे में, आपको चारों तरफ से मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है उस कहानी का लाइव वीडियो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आज का अपडेट है। और ये वीडियो देखे और घूमने आए यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम लोग वीडियो कंप्लीट और अभी हम लोग जाएंगे बाहर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर कुछ हमारे से भूल हुई होगी तो हमें माफ़ करिएगा। और आप लोग भी ज़रूर आए और यहाँ का हमने ज़रूर आए। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ ठीक, पापा वो दिन हाथ दुख रहा है बाबू, वीडियो बना रहा है। चल जल्दी।
फाइनली दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे चले अनाला बाग घूम लिए और एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। तो जिस गेट से इंटर हुए हैं और उस अपोजिट गेट है, देख सकते हैं बाहर जाने का रास्ता लिखा हुआ है और जाते हैं, देख सकते हैं सारे लोग घूम के आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वीडियो लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस लेके आते रहें। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।